मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम चैप्टर नंबर 27 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम ईयर की एक्सटर्नल और जो मिडल ईयर का पार्ट है वो हमने पढ़ा था। कल हमने जो है मिडल ईयर में प्रेजेंट तीन जो ईयर ओसिकल्स है उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम मिडल ईयर के अंदर एक जो सिचुएटेड जो यू स्टिचिंग ट्यूब होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये जो यू स्टिचिंग ट्यूब है ये फेरिंग्स में खुलती है और ये जो ईयर ड्रम है कान का जो पर्दा है उसके दोनों साइड में एयर प्रेशर को मेंटेन करने का फंक्शन करती है। ठीक है, तो यू स्टिचिंग ट्यूब जो है ये नॉर्मली ये क्लोज रहती है, बंद रहती है, लेकिन कुछ समय जो है ये जब एयर प्रेशर जो है दोनों साइड में अनइक्वल होता है उस समय ये ओपन होती है और अंदर की साइड में और बाहर की साइड का जो एयर प्रेशर है वो उसको इक्वलाइज करती है। ठीक है, खास तौर पर जब एरोप्लेन है उसमें जो है एयर प्रेशर जो है ज़्यादा चेंजर होता है उस समय ये जो एयर प्रेशर को दोनों साइड में इक्वलाइज करती है। आज हम जो है इसके आगे का जो पार्ट है जो ईयर का तीसरा पार्ट है इंटरनल ईयर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ईयर का तीसरा पार्ट इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर को लेबरिंथ भी कहा जाता है। इंटरनल ईयर इसको लेबरिंथ भी कहा जाता है। लेबरिंथ का मतलब होता है कोई घुमावदार चीज होती है उसको लेबरिंथ कहते हैं। तो जो इंटरनल ईयर है इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी जो है पॉइंट फॉर्म में होती है, इसलिए इसको लेबरिंथ कहा जाता है। तो इंटरनल ईयर के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर दो मुख्य इसके भाग है इंटरनल ईयर के। एक है ओनी लेबरिंथ और एक है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। ओनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ ये स्थि ग्रहण और यह है कला ग्रहण, अस्थि ग्रहण और कला ग्रहण इसके दो पार्ट है। तो अस्थि ग्रहण या बोनी लेबरिंथ का मतलब यह है कि इंटरनल ईयर का जो बोनी पार्ट है ऊपर का वो बोनी लेबरिंथ कहलाता है। इस प्रकार से जैसे ये एक बोन है तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये बोनी लेबरिंथ कहलाता है और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ जो है इसके अंदर की तरफ होता है वो मेम्ब्रेनस लेबरिंथ कला ग्रहण का हिस्सा जो है इसके अंदर की तरफ होता है। तो अब जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि डायग्राम से इंटरनल ईयर जो है कि यहाँ पर ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और ये ईयर ड्रम है। यहां से इससे जो है तीन बोन यहां पर जुड़ी हुई है ये मिडल ईयर के अंदर तीन बोन है मेलियस इंकस और ये स्टेपीज। ये तीन बोन है और स्टेपीज जो है ये इंटरनल ईयर के अटैच में रहती है। तो इंटरनल ईयर में यहाँ पर दो
स्थिर होते हैं। ये ऊपर वाला जो चित्र है इसको फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहा जाता है और ये जो है इसको फेनेस्ट्रा रोटंडस, इसका दूसरा नाम ओवल विंडो है और इसका नाम राउंड विंडो। ओवल विंडो और राउंड विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम ये कहेंगे कि जो स्टेपीज है स्टेपीज जो है मिडल ईयर अंत्यकर्ण के साथ में, या ऐसे लिखते हैं अपन, जो मध्य कर्ण है, मध्य कर्ण अंत्यकर्ण से दो छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है, दो छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है। दो छिद्र, एक तो फेनेस्ट्रा ओवेलिस और दूसरा जो है वो है फेनेस्ट्रा रोटंडस, ठीक है। ये दो छिद्र द्वारा अंतःकर्ण से जुड़ा रहता है। इन छिद्र के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली के द्वारा ये बंद रहते हैं। फिर इससे आगे का जो पार्ट है, यहाँ पर इंटरनल ईयर जो इस प्रकार से ये इंटरनल ईयर और इसी के साथ में यहाँ पर तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है, इस प्रकार से तीन सेमी सर्कुलर कैनाल है। इंटरनल ईयर का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कोक्लिया कहा जाता है और ये सेमी सर्कुलर कैनाल और इसी के साथ में यहाँ पर दो और यहाँ पर इसका जो खुला हुआ भाग है, इस खुले हुए भाग को एम्पुला कहते हैं। एम्पुला ये यूट्रिकल्स है और ये सेक्युलस इसके भाग है। तो ये इंटरनल ईयर के भाग है। तो अंतःकरण के अंदर हम इंटरनल ईयर में अंतःकरण में अपन जो है निम्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। भाग इसके निम्न भाग है जिसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो कोक्लिया सेकंड भाग, यूट्रिक्युलस तीसरा भाग, सेक्युलस चौथा जो भाग है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये जो पार्ट है इन्हीं के अंदर, यानी ये बोनी लेबरिंथ का एक भाग है और इन्हीं के अंदर जो है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होता है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इस कोक्लिया के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो ये इस तरीके से कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है कोक्लिया की। और
अगर हम इसको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके अंदर जो है तीन कैविटी प्रेजेंट होती है, तीन गुहाएं उपस्थित होती है। यानी हम डायग्राम के द्वारा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर हो कोक्लिया, कोक्लिया की अंदर की जो संरचना है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कॉइल के फॉर्म में, अगर हम इन्हें सीधा करें तो जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है कोक्लिया, इसके अंदर ये प्रकार से मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है और यहाँ पर ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये हमने पढ़ा था कि ये फेनेस्ट्रा ओवलिस है जिसको ओवल विंडो कहा जाता है और ये दूसरी झिल्ली है जिसको राउंड विंडो कहा जाता है। तो कोक्लिया की जो स्ट्रक्चर है अंदर से आपको इस तरीके की दिखाई देती है। इसके अंदर तीन भाग दिखाई देते हैं। ऊपर वाला जो भाग है इस ऊपर वाले भाग को स्केला वेस्टिबुलाई कहा जाता है। ऊपर वाला जो भाग है इस भाग को स्केला वेस्टिबुलाई कहा जाता है। नीचे वाला ये जो भाग है इसको स्केला टिम्पेनाई, ये ऊपर का भाग स्केला वेस्टिबुलाई, नीचे का भाग स्केला टिम्पेनाई और जो बीच वाला जो भाग है इस भाग को केला मीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कोक्लिया जो है कोक्लिया के अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन भाग होते हैं, स्केला वेस्टिबुलर, स्केला टिम्पेनाई और स्केला मीडिया, ये इसके तीन भाग है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ पर एक फ्लूइड एक द्रव भरा हुआ रहता है। तो ये कोक्लिया के अंदर की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो है फ्लूइड भरा हुआ होता है। इन तीनों भागों के अंदर एक द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है। इसके अंदर जो लिक्विड होगा यहाँ पर वो पेरिलिन, उसको कहेंगे पेरिलिन परिलसिका, परिलसिका। इसके अंदर भी जो फ्लूइड होगा वो भी पेरिलिन। ये स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई इन दोनों के अंदर जो फ्लूइड है उसको पेरिलिन कहा जाता है। और ये जो दोनों भाग है ये यहाँ पर इस जगह पे ये आपस में जो है जुड़े रहते हैं एक छिद्र के द्वारा। इस भाग को हेलिकोट्रेमा कहते हैं, हेलिको ट्रेमा। तो हेलिकोट्रेमा द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई दोनों भाग आपस में जुड़े रहेंगे। जबकि ये जो बीच वाला जो हिस्सा है स्केला मीडिया, ये जो भाग है स्केला मीडिया ये दोनों साइड से बंद रहता है, दोनों साइड इसकी क्लोज रहेगी स्केला मीडिया की। और
इसके अंदर जो फ्लूइड जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव को एंडोलिम्फ कहा जाता है। स्केला मीडिया के अंदर जो द्रव है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं और इसके अंदर जो द्रव है उसको पेरिलिम्फ कहा जाता है। तो इसी फ्लूइड में जब मूवमेंट होता है तभी जो है हियरिंग की सुनने की क्रिया होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है कान का पर्दा है और इसके साथ में ये तीन जो है स्मॉल बोन्स यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो जैसे ही बाहर से साउंड इस कान के पर्दे के ऊपर स्ट्राइक होती है टकराती है तो ये जो कान का पर्दा है ये वाइब्रेट करने लगता है, इसमें कंपन होने शुरू होते हैं। ये कंपन इन तीन बोन्स के द्वारा यहाँ तक पहुँचते हैं। ये जो भाग है फेनेस्ट्रा ऑयल्स यानी यहाँ तक वाइब्रेशन पहुँचते हैं। अब बोन्स जो है इन वाइब्रेशन को कई गुना यानी लगभग 20 गुना इनको बढ़ा देती है। तो जैसे ही वाइब्रेशन यहाँ तक पहुँचते हैं ये स्टेबीज बोन है, जब स्टेबीज बोन तक ये वाइब्रेशन पहुँचते हैं तो वाइब्रेशन जो है एम्प्लीफिकेशन हो जाता है इनका 20 गुना। ये इनकी जो ये आवृत्ति बढ़ जाती है तो जैसे ही ये इसके ऊपर स्ट्राइक करता है स्ट्राइक करने पर इसके अंदर ये जो फ्लूड है ये फ्लूड जो है मूवमेंट करने लगता है। तो यहाँ से फ्लूड के अंदर मूवमेंट जो है इस तरह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर ये हेलिकोट्रेमा से होता हुआ स्केला टिम्पेनाइन में आता है। और जब ये फ्लूड मूवमेंट करेगा तो ये इसके ऊपर एक इस तरीके से प्रेशर डालता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के द्वारा ये जो एंडोलिम्फ है इसके अंदर भी मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर स्केला मीडिया जो है इस स्केला मीडिया में यहाँ पर जो है विशेष प्रकार की सेल्स होती है। यहाँ पर सेंसरी सेल्स होती है जिस इस सेंसरी सेल्स को इस वाले भाग को जो है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहा जाता है। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है ये वास्तविक श्रवण अंग है यानी एक्चुअल सेंस हियरिंग ऑर्गन जो है वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। इसके अंदर विशेष प्रकार की सेंसरी सेल्स होती है, संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो सुनने से संबंधित संवेदनाओं को ग्रहण करती है और इसी से जो है यहाँ पर श्रवण तंत्रिका निकलती है। अब इसके पश्चात जो ये ऑर्गन ऑफ पोर्टी है इसके ऊपर ऑर्गन ऑफ पोर्टी के ऊपर एक झिल्ली होती है। इस प्रकार से एक झिल्ली है, इस झिल्ली को कैक्टोरियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो इस ऑर्गन ऑफ पोर्टाई जो है इसके ऊपर जो एक पत्ती के समान एक लीफ के समान स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस ऑर्गन ऑफ पोर्टाई के ऊपर लगी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्केला मीडिया है स्केला मीडिया में ये ऊपर की जो मेम्ब्रेन है और नीचे की जो मेम्ब्रेन है ऊपर की मेम्ब्रेन को स्केला मीडिया में ऊपर की जो मेम्ब्रेन है
इसको राइजनल मेम्ब्रेन कहा जाता है और नीचे की जो मेम्ब्रेन है इसको बेसिलर मेम्ब्रेन, इसको रिजनर कला और इसको आधारी कला कहा जाता है। तो ये जो ऑर्गन ऑफ पोर्टी है, पोर्टी का जो अंग है ये इस आधारी कला के ऊपर स्थित होता है। ठीक है, तो आज जो हमने इंटरनल ईयर का ये जो कोक्लिया वाला हिस्सा है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इस ये जो कोक्लिया जो है ये हियरिंग प्रोसेस में भाग लेता है, तो इससे जो है हियरिंग किस प्रकार होती है, सुनने की क्रिया किस प्रकार होती है वो हम पढ़ेंगे।